मैं न्यूज आर का टाइम से अनिल वर्मा और आज हम यहाँ उठारी रोड दलवीर नगर स्थित महंत नरेशपुरी जी महाराज जी के आश्रम भी है और यहाँ मंदिर भी है वहाँ आए हुए हैं। और आने का हमारा मकसद यह था कि यहाँ जो है महंत नरेशपुरी जी महाराज 40 दिन से जो है वो तप कर रहे थे और वो खड़े होकर के जो उन्होंने तपस्या की और आज तपस्या का जो है वो आखिरी दिन था। आज दारा के रूप में जो है वो तपस्या को जो है पूर्ण किया गया जिसमें जो है पूरे वानीपति नहीं पूरे प्रदेश से जो है श्रद्धालु ने आकर के जो है यहाँ प्रसाद ग्रहण किया। और अब महंत नरेशपुरी जी महाराज ने जो है क्या क्या अनुभव किए तपस्या के दौरान आज हम उनसे जानेंगे और सभी को जो है वो आशीर्वाद भी दिलाएंगे। आइए महाराज जी आपने जो है ये 40 दिन की तपस्या की है और तपस्या के दौरान जो है वो आपने क्या क्या अनुभव किए तपस्या के दौरान जो है आपको कैसा अंदर से जो है आंतरिक शक्तियों का जो है कैसा विकास हुआ क्या महसूस किया आपने तो ये क्या हमारे दर्शकों को या अपने श्रद्धालुओं को जो है अपने शिष्यों को बताएंगे। ये हम 41 दिन की गोरखनाथ साधना कर रहे थे इसे हठ योग कहा जाता है और ये सभी साधु मंत ऋषि मुनि जो हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करके चले गए ये हठ योग ऋषि मुनियों ने भी किया। इससे हम बहुत अच्छा अपने अंदर से
खुश मिजाज परिवर्तन ले रहे अपने शरीर में। हमारे शरीर में खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस खुशी में हम 41 दिन अपने ईष्ट देव गुरु गोरखनाथ के साक्षात में दर्शन कर सकते हैं। यह हमारा हठ योग एक जीवन कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए किया जाता है ताकि संसार में आने वाले हर जीव पर कोई भी कष्ट न हो, कोई इंसान पाप का भाग्य न हो, कोई गलत रास्ते पर ना चले। हम अपने शिष्यों से, हमारे पास आने वाले माता बहनों से, सभी सज्जनों से एक ही प्रार्थना करते हैं, बुराई की छोड़कर पुण्य का रास्ता अपनाएं, गलत रास्ते को छोड़कर स्वर्ग का रास्ता अपनाएं, किसी को नाजायज न सताएं, किसी जीव का पाप ना करें। ये हम हठ योग एक जीव साधना के लिए करते हैं, एक जीव की भलाई के लिए, जीव कल्याण के लिए। अगर संसार में कहीं भी कोई ऋषि महात्मा साधु संत किसी नगरी में अपनी तपस्या करे, वो नगरी की भलाई के लिए, जीव कल्याण के लिए ही तपस्या करते हैं। महाराज जी एक बात बताइए, जैसे ये 40 दिन की तपस्या हठ योग किया तो इसमें क्या आप इष्ट देव के दर्शन भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, तो कई बार होते हैं। अच्छा, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते हैं। तो उसमें जो है क्या मतलब आप अपनी शक्तियों का जो है वो आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उनको बढ़ा, हमें किसी शक्ति की जरूरत नहीं, हम तो केवल उनका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे ईश देव का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर है तो संसार का भला होगा। हम आप लोगों को जरा रास्ता दिखाएंगे, आप लोगों का जो कल्याण होगा वो ईश देव के द्वारा ही कल्याण होगा। हमने शक्ति का क्या करना है, हम तो जो उनसे आशीर्वाद ले रहे, जो कृपा हम ईश देव के ले रहे, वो एक जनता की भलाई के लिए ले रहे। हम तो सिर्फ जीव कल्याण के लिए जोड़े करते हैं, वह संसार में आया हुआ हर जीव का भला हो, हर जीव का कल्याण हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद महाराज जी।